नमस्कार, और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को हरिया विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी अजय सिंह ने नामांकन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने रेत खनन के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा। यहाँ देखें खास रिपोर्ट, और बस्ती समेत देश दुनिया खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चुनाव मैदान में है, पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। खनन की काफ़ी समस्याएं हैं जिसको लेकर आपको भी धरने पर बैठना पड़ेगा, तो ऐसे में कैसे जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं गया था वहां पर और पट्टा हुआ है, सरकार जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रहा है, उसका निस्तारण हो जाएगा। कई गांव के लोग बहिष्कार किए, मतदान का बैनर पोस्टर लगा है। उनसे अनुरोध किया जाएगा, उनसे विनती की जाएगी, मतदान करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। गांव के दर्द को मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका निस्तारण अतिशीघ्र हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद आगे क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ विजन? सबसे भरैया विधानसभा को उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाना है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज पर्चा दाखिले के बाद कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। मैं लोकसभा की बात नहीं करता हूं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। हरैया विधानसभा में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है, शिक्षा संस्थान, सबसे ज़्यादा संख्या में धार्मिक स्थानों का उद्धार हो रहा है, निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से पीपे का पुल बना है, दो पुल और है। विधानसभा पीछे रह गया। 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बन के तैयार है, और उसमें भी दवा चल रही है, उसमें भी मरीज आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। उद्घाटन नहीं हुआ विधायक जी? नहीं, उद्घाटन हो गया, वो चल रहा है। कोविड काल के नाते उसे भीड़भाड़ नहीं होना था, इस नाते नहीं हो पाया, लेकिन अस्पताल रनिंग है। किस पार्टी से क्या भी है? मेरी लड़ाई उसमें से किसी ने, जो मेरे पीछे होगा उसे मेरी लड़ाई है। मैं ये जानता हूँ मैं नंबर एक पर हूँ, मेरे पीछे कौन होगा ये जब परिणाम आएगा तब पता लगेगा। हरैया में अभी मूलभूत जो असुविधाएं हैं वो अभी क्या क्या हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, 5 साल में मैंने बहुत प्रयास किया है, हमने अपनी विरासत को सहेजना का प्रयास किया है। मेरे चाहे ऐतिहासिक विरासत हो, चाहे पौराणिक विरासत हो, चाहे धार्मिक विरासत हो, चाहे रोडों का मामला हो, चाहे शिक्षण संस्थानों का मामला हो, चाहे नदियों पर और नालों पर पुल के निर्माण का मामला हो, मैंने इस सारी दिशाओं में सब पर मैंने काम किया है। शुक्रिया।